Hello everyone, how are you all? Sir, I am fine. I am fine, sir. What about you? I am also fine, beta. तो आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? संस्कृत में समुद्र टटा का पाठ का नाम है समुद्र टटा अष्टा पाठ का पाठ छी। समुद्र टटा में कल आपका हुआ था सरदार सहित हिंदी अर्थ बताया गया था और रीडिंग भी हुआ था कल रीडिंग हुआ था और सरदार सहित हिंदी अर्थ भी बताया गया था। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे हम लोग अभ्यासा में आपका प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 तक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको कॉपी पेन या पेंसिल और बुक लेके बैठना है, क्योंकि अगर जो जैसे इसमें दूसरा प्रश्न है, इसके बाद कई प्रश्न है आपको जो बुक में नहीं कॉपी में राइट करना पड़ेगा, तो उसके उत्तर आपको कॉपी में राइट करना पड़ेगा, ये लेके बैठिए। तो इसमें हम बुक शेयर कर रहे हैं, इसके बाद इस पर चर्चा होगी। तैयार है आप लोग? यस। महक अपना वीडियो। यस सर। यस सर। महक। यस सर। अभी को बुक दिखा कि नहीं? सर बुक दिखा। सर दिख गया। इसमें देखिए पहला प्रश्न। सर दिखा। यस बेटा। ओके। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 से इसमें संस्कृत में प्रश्न नंबर 1 क्या होता है? उच्चारणम कृत, उच्चारण करने के लिए होता है। देखिए ऐसे इसमें भी है, षष्ठ पाठम भी है, उच्चारणम कृत, उच्चारण करें, उच्चारण करना है आपको, जिसमें तरंगे संगमा प्रायदीपा मत्स्य जीविना ती श्रुसु बंगोपसागरा विदेशी पर्यटकेभ्या वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। तो सिद्धात्री आप उच्चारण करें, ये पहली लाइन का उच्चारण करें आप। बेटा माइक ऑन करके करो, सिद्धात्री माइक ऑन करिए। तरंगे सतरंगे। यस बेटा नीचे। सर सगम। सगम नहीं बेटा, ये देखिए ये जो अंगा है, अंगा देखिए यहाँ पे क्या बिंदी है बाग बगल में, तो ये आपका आधा ना में होता और उसके नीचे गा लगा हुआ, तो ये पूरा गा हो जाएगा और ये ना में हो जाएगा, तो ना का मात्रा कहाँ जाएगा? सापा। तो ये हो जाएगा संग माह। संग माह यहाँ देखिए जैसे तरंगे, ये जो अंगा है ये आपका अंग पर रख गया, तो और गा तरंगे, गा पर ऐ की मात्रा तरंगे, तो इसी तरह यहाँ पे संगमा संगमा, इसको चैप्टर पाठ पढ़ाते समय बताया गया था, ये भी आया था तो इसमें बताया गया था कि कैसे हुआ है। और नीचे प्रायदीपा बहुत बढ़िया। अरुण आप पढ़ो। अरुण ये दूसरी लाइन। अरुण माइक ऑन करिए। नो बेटा कुछ तो बोलना चाहिए। अंश पांडे आप रीड करिए, आप पढ़िए। मत्स्य जीवन। रॉन्ग है बेटा, मत्स्य जीविना मत नहीं, मत्स्य आधा था आधा सा है, मत्स्य या भी है, मत्स्य जीविना रिसुसु मत्स्य जीविना त्रिशासु। यस बेटा, बंगोप सागरा
ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग, इसका मतलब आज पढ़ के नहीं बैठो बैठे हो। ये आप बताओ प्रिया, ये वाला बताइए सिर्फ आप। नहीं बता रही हो बेटा, पढ़ के बैठना चाहिए। चलिए मैं एक आप बताइए। विदेशी पर्यटक वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदया। बहुत बढ़िया अभिरल, आप इसको बताइए अभिरल। वैदेशिक एरो जहां पे है बारडोग। अभी देखिए यहाँ पे क्या बारडोग, इसी तरह यहाँ पे भी है। अभी नहीं बेटा, आपके साइड से आवाज आ रही है। लो बेटा बंगोप सागरा, बंगोप सागरा। दीपिका आप ये बताओ, बंगोप सागरा। यस बेटा दीपिका आप बताइए। सर शुरू से नहीं बेटा, ये यहाँ पे एरो है प्रायद्वीप। यस बेटा कहा, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए इसमें तरंगे, संगमा, प्रायद्वीपा, मत्स्यजीविना, त्रिशुषु, बंगोप सागरा, विदेशी पर्यटकेभ्य, वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदय, ये आपके हैं, इसको उच्चारण करना था। आप देखिए दूसरा प्रश्न, अधोलिखित अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम उत्तरम लिखत। अधोलिखित जो नीचे लिखे गए निम्नलिखित प्रश्न नाम प्रश्नों के उत्तरम उत्तर लिखत लिखें, निम्नलिखित या निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये आपके नीचे प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें आपका का खा गा घा अंगा, तो इसमें आपको क्या देना है, इसका उत्तर आपको देना, एक पद में नहीं देना। अंश आपके साइड से आवाज आ रही है, आप माइक बंद करिए बेटा। जहां जिसके भी घर से आवाज आए साइड से माइक बंद करके बात किया करो, या माइक बंद कर दिया करो, जब पूछा जाए तब माइक ऑन करिए। इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है, का दूसरे का जना, जना मीन्स लोग, काव माने कितने कितने नहीं बेटा, किनसे, काव मीन्स किनसे, जल विहारम कुर्वंत, जल विहार कर रहे हैं लोग, किनसे जल विहार कर रहे हैं, मतलब लोग कैसे जल विहार कर रहे हैं। जल विहार मीन्स जल में घूमना, पानी में घूमना, पानी में कीड़ा करना, यही होता है। उसमें बताया गया था, कौन बताया गया इसका आंसर, हैंड शो करें। श्री महक बताएंगी अभिरल। यस बेटा अभिरल आप बताओ, पूरा आंसर बताना है। सर नाव का। नो बेटा, एक पद में नहीं, पूरा आंसर आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नानाम एक पदेन नहीं दिया गया। अगर एक पदेन दिया जाता तो एक पद में आपको बताना है, लेकिन आपको ये क्या है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें, जो आपके यहाँ पे प्रश्न लिखे गए हैं उन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, तो आपको पूरा उत्तर बताना पड़ेगा। चलिए मैं कहा बताइए। सर जना नौकाब जल विहारम कुर्वंत। बेटा जना नौका भी, यहाँ देखिए का भी लगा हुआ है, यहाँ पे आपका नौका भी, नौका नहीं होगा, आपका नौका भी होगा, क्या होगा, नौका भी, नौका यहाँ पे का भी लगा हुआ है, और यहाँ पे नौका भी आपके केचन चा नौका भी जल विहारम कुर्वंत प्रश्न दिया गया दूसरी लाइन का। दूसरी लाइन में देखिए चा के बाद लगा हुआ है नौका भी, यहाँ पे होगा जना नौका भी जल विहारम कुरंत। आंसर क्या राइट करेंगे, नीचे लिखेंगे जना नौका भी जल विहारम कुरंत। लिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस बेटा बहुत बढ़िया, सिर्फ आपको नौ काब के जगह पे नौका भी लिखना है, तो और पूरा वैसे रहेगा जना नौका भी जल विहारम कुरंत, लोग नौका से या नाव से जल विहार पानी में
घूम रहे हैं। अब देखिए खा है भारतस, भारत का दीर्घतमा मीन्स सबसे बड़ा समुद्र तटा, समुद्र तट का कौन है, मतलब भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन है, मतलब तो आपको क्या बताना है, भारत का सबसे मतलब दीर्घ बड़ा समुद्र तट कौन है, बताया गया था कल पढ़ा था। नहीं बेटा जिस आसमाकम दो बेटा जिसको आता हो सिर्फ हैंड शो करेगा। सिद्धात्री, यस सिद्धात्री आप बताइए। सर आसमाकम, अस्माकम मीन्स हमारे, हमारे हम, हमारा क्या, हमारा बस अस्माकम प्रायद्वीप से पूछ रहा कि भारत का, आपको एक एक पद में नहीं बताना है, पूरे आंसर पूरा बताना है आपको कि एक पद में आप बताइए। यस बेटा आप बताइए। मैं सर चेन्नई नगर से मेरीना टिट्टा समुद्र तट। बेटा मैं कहा बताइए, रिपीट करिए। सर चेन्नई नगर से मेरीना तटा भारत से दीर्घतम समुद्र तटा। यस बेटा समुद्र तटा अस्त, बहुत बढ़िया बेटा। इसका आंसर क्या होगा, आप देखिए ये लास्ट में मेरीना चेन्नई नगर नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे चेन्नई नगर मेरीना टटा, चेन्नई नगर का मेरीना तट भारतस दीर्घतमा, भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा समुद्र तटा अस्त, समुद्र तट है कौन सा, चेन्नई नगरस मेरीना टटा भारतस दीर्घतमा समुद्र तटा अस्त, ये पूरा आंसर होगा। लिखे सभी ना, लिखे बेटा लिखेंगे भारत सॉरी चेन्नई नगरस मेरीना तटा भारतस दीर्घतमा समुद्र तटा अस्त, ये पूरा। चलिए दूसरा देखिए, जनाकुत्र स्वयरम बिरंत, लोग कुत्माने कहां पर, स्वयरम अपनी इच्छा से मतलब अपने मन से अपनी इच्छा से, बिरंत घूमते हैं लोग कहां अपनी इच्छा से घूम रहे हैं, घूमते हैं। हैंड शो करें जिसको आता है। बस अंश बेटा आप बताओ, वेरी गुड अंश बताइए। यस सर, सर समुद्र टटा। मैं पूछ रहा कि लोग कहां समुद्र टटा पर तो घूमते हैं, समुद्र के किनारे तो घूमते हैं, आपको इसमें पाठ में कई समुद्र तट के बारे में बताया गया है, कई स्थानों के बारे में बताया गया है, तो और कई स्थानों में बताया गया था कि कौन सा किस स्थान, कौन सा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी बताया गया था। यस सर। तो सिद्धार्थी आप बताए। यस बेटा सिद्धार्थी बताइए। मुंबई नगर से स्वर्ग जाने शरम बिहते। यस बेटा बहुत बढ़िया, किताब से देख के बताइए लेकिन सही बताइए। इसमें क्या बताए, मुंबई नगर, मुंबई नगर का, मुंबई नगर का जुहू तटे, जुहू का तट, जना स्वरम बिरंत, जना स्वरम बिरंत, मुंबई नगरस प्रश्न उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, मुंबई नगरस जुहू तटे जना स्वरम बिरंत, बहुत बढ़िया। लिखे इसको गा का आंसर लिखे। यस सर। चलिए अब घा में देखें। यस बेटा सिद्धार्थी बताओ क्या है। देखिए घा में बालका इस बेटा बालका बालका चा बालकू बालग्र। स्टॉप बेटा, जब पूछा जाए तब बताइए। बालका बालुका भी किम रचयन, बालक मींस लड़के,
बालुकाब, बालुकाब मीन्स रेत से बहुत बढ़िया, रेत या बालू से। और यहाँ पे किम रचयंत, लड़के बालू से किम रचयंत क्या बना रहे हैं? बाल का चा, क्या जिससे पूछा जाए वो बताए। बालू के भी रचयंत बाल। दीपका बताइए, दीपका जब पूछा जाए तब बताइए, दीपका बताइए। सर बाल का, बालू का भी रचयंत्र बालू का गृह है। यहाँ देखिए बेटा, रचयंत्र रचयंत्र जो होगा लास्ट में होगा। आपने आंसर बालू का गृहम सही बताया है, लेकिन यहाँ पे किम के स्थान पे बालू का गृहम होगा। देखिए बालू का, बहुत बढ़िया दीपका, बालका बालुकाभ बालुका गृहम, बालुका गृहम रचयंत, लड़के रेत के द्वारा या रेत से या बालुओं से बालू से बालुका गृहम, बालू का घर या रेत का घर या घरौंदा बना रहे हैं। बहुत बढ़िया दीपका। अब देखिए कोची टटा केभ्या ज्ञायते, अभिलाल आप बताइए, कोची टटा केभ्या ज्ञायते, कोची का तट के लिए जाना, कोची टटा नारिकेल फल लग फले भय ज्ञाता, ज्ञाता नहीं ज्ञायते बेटा। बहुत बढ़िया, आपने उच्चारण थोड़ा राउंड गलत किया लेकिन बताया सही है। कोची टटा नारिकेल, नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोची टटा नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोची का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। कोची का तट नारियल के फल के लिए या नारियल के लिए जाना जाता है। अब इसका देखिए फिर से एक बात आंसर देख लीजिए, आप आंसर अपनी कॉपी मिला लीजिए अगर लिखे हैं तो। पहले का आंसर होगा, पहला प्रश्न है जना काभि जल विहारम कुर्वन्त, इसका आंसर होगा जना नौकाभि जल विहारम कुर्वन्त। खा में पूछा गया भारतस दीर्घतमा समुद्र तटा का, तो खा का आंसर होगा, खा का उत्तर होगा चेन्नई नगरस मेरीना तटा भारतस दीर्घतमा समुद्र तटा अस्ति। गा देखिए जना कुत स्वयरम भिरंत, इसका आंसर होगा गा का, सॉरी गा का उत्तर होगा मुंबई नगरस जुहू तटे जना स्वयरम भिरंत। घा का आंसर, घा देखिए पूछा गया बाल बालका बालुकाभ किम रचयन, इसका उत्तर होगा घा का बालका बालुकाभ बालुका गृहम रचयन्ति। अंगा में देखिए कोची टटा केभ्य ज्ञायते, इसका उत्तर होगा कोची टटा नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। इतना समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 3, मंजूसाता पदान चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, ये जो नीचे पेटिका में पद दिए गए हैं इनको क्या करना है, चुनकर आपको जो रिक्त स्थान है वहां पे आपको क्या करना है, भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें देखिए पहला है बंगोपसागर मीन्स होता है बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीपा मीन्स प्रायद्वीप, पर्यटना मीन्स घूमने के लिए, क्रीड़ा मीन्स खेल, संगम मीन्स संगम या मिलन। कन्याकुमारी तटे, जिसको आता बेटा हैंड शो करेगा, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डाटा ढोत, कन्याकुमारी तट पर त्रयाणाम तीनों सागराणाम सागर होते हैं, होता है क्या होता है, संगम। हाँ यस बेटा, सिद्धात्री संगमम, संगम संगमा बेटा, पहले मैं बोलिए जब पूछा जाए तब बताइए सभी को मिलेगा क्या होगा, संगमा, संगमा मीन्स संगम मिलन। कन्याकुमारी के तट पर त्रयाणाम सागराणाम तीनों सागरों का, मतलब तीन सागरों का संगम या मिलन होता है। भारता इत्कथते, भारत कहा जाता, भारत भी कहते हैं, भारत देश को भारत देशा, भारत देश इत कथते,
आंसर बताइए। प्रायद्वीपा। यस बेटा, भारत देशा प्रायद्वीपा इत कथे थे। इत मीन्स क्या होता है? इसे भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। करा देखिए। का जना समुद्र तटम आगच्छन्त, लोग समुद्र तट पर आते हैं, क्या करने आते हैं? अरुण आप बताओ। अरुण आपने कोई आंसर नहीं बताया है। बेटा जिससे पूछा जाए वो बताए। अभी बेटा दूसरे प्रश्न पूछ रहे थे तब नहीं बता रहे थे। चलिए प्रिया आप बताइए, अरुण नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे क्या फिल होगा आगामी? पर्यटना मीन्स घूमने या घूमने के लिए, मतलब समुद्र जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्त, लोग समुद्र तट पर या समुद्र के किनारे घूमने आते हैं। बालेभ्या रोस्ते, बालकों को रोस्ते मीन्स अच्छा, क्या अच्छा लगता है? दीपका बताओ। दीपका सर आप बताइए। यस सर। घर में बताइए क्या होगा? बालकों को अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है। क्रीड़ा। यस बेटा, क्रीड़ा मतलब बालकों को खेलना अच्छा लगता है। बच्चे जो है वो क्या है, आप लोग भी खेलते हो ना, तो सबसे अच्छा क्या लगता है? खेलना। अब देखिए अंगा में भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में है, क्या है? अभी आप बताओ। माइक ऑन करके बेटा, अविरल माइक ऑन करके। सर बड़ोप सागर। सर बड़ोप सागर। बड़ोप नहीं है, यहाँ पे अभी बताया गया तरंगे संगमा। यहाँ पे देखिए ये जोड़ा अंगा है, ये आपका अंक की मात्रा में बापर होगा, और ये गा पूरा यहाँ पे लिखो, राइट लिखा जाएगा, ये हो जाएगा बंगोप सागरा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बंगोप सागरा, बंगाल की खाड़ी। चलिए पहले में क्या भरा गया? संगमा, दूसरे में प्रायद्वीप, तीसरे में पर्यटना, चौथे में क्रीड़ा, और पांचवे में आपका अंगा में बंगोप सागरा। बहुत बढ़िया बेटा, इतना समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। अब इसमें देखिए यथा योग्यम योज्यत। यस सर। जो जिसका उसको क्या करना है? यथा योग्यम, योग के अनुसार आपको क्या करना है? जोड़ना है, मैच करना है। समुद्र तटा है किरणकम दुग्धम दीपका विद्या, ज्ञाना है पोषणा है प्रकाशा है पर्यटना है खेलना है, ये आपको करना है। देखिए समुद्र तटा, समुद्र का किनारा, क्या है समुद्र का किनारा? समुद्र का किनारा किसका? पर्यटना है। इसके सामने क्या लिखेंगे? समुद्र तटा के किनारे आगे पर्यटना, समुद्र का तट घूमने के लिए होता है। किरण कम खेलना, यहाँ पे खेलना सर, खेलना पर खेलना सर, खेलना होता है और खेलना है, खेलना है। किरण कम खेलना है, इसका मिलन किससे, इसका किसको किससे करेंगे? खेलना है से, तो इसके किरण कम के सामने लिखेंगे खेलना है। कम दूध, दूध किस लिए होता है? पोषणा है। यस बेटा, दूध से हमें क्या मिलता है? पोषणा है, पोषण। दीपका प्रकाश है, प्रकाशाय। यस बेटा, दीपका प्रकाशाय, दीपक से हमें प्रकाश मिलता है। विद्या, विद्या से क्या मिलता है? ज्ञान, ज्ञान, विद्या से हमें ज्ञान। यस बेटा, बहुत बढ़िया।
इसमें देखिए समुद्र तटा के सामने हम राइट करेंगे पर्यटना, क्रीड़ंकम के सामने लिखेंगे खेलना, दुग्धम के सामने क्या लिखेंगे पोषणा, दीपिका के सामने प्रकाशा और विद्या के सामने ज्ञाना। अब इसमें देखें प्रश्न नंबर 5 तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थान पूरक। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति करना है। जैसे आपको देखिए एक उदाहरण दिया गया था करके देवमा मित्रेण सा गच्छत, यहाँ पे मित्र है, यहाँ पे देखिए मित्र है, इसका तृतीय विभक्ति क्या हुआ, तृतीय विभक्त मित्रेण हुआ, मित्रेण मित्र देवमा मित्रेण व्योम मित्र के साथ गच्छति जा रहा है, तो यहाँ पे मित्र का क्या होगा मित्रेण। इसी तरह आपको का खा गा घा अंगा दिया गया और ब्रेकेट में आपको दिया गया है कि उसका तृतीय विभक्ति क्या होगा। चलिए देखते हैं बालका, बालका आप देखिए बहुवचन है, लड़के सह पठंत साथ पढ़ते हैं, यहाँ पे है बालिका, बालिका का बहुवचन तृतीय विभक्त बहुवचन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सह बालिका मतलब बहुत सारे लोग हैं, बालिका बहुवचन है, तो यहाँ पे बालिका का तृतीय विभक्त बहुवचन क्या होगा, बाली बालिका। बेटा जब आता हो तब बोलिए, नहीं तो हैंड शो करिए। बालिका कैसे होगा, यहाँ पे बालिका बहुवचन हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है तृतीय विभक्ति, आप रूप जानते हो ना कि नहीं जानते हो, यस सर रूप जानते हो कि नहीं, आपके किताब के पीछे दिया गया है शब्द रूपांतर, किताब के पीछे दिया गया है बालके कैसे होगा बेटा, पेज नंबर 89 ओपन करें, तुरंत ओपन करें 89। यस मैम, इसमें सब नहीं है लेकिन कुछ रूप आपके दिए गए 89 में, देखिए बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा में देखिए बालिका दिया है, बालिका सर हे बालिका। अभी अंश पांडे अपना माइक पहले बंद करिए, बेटा जब पूछा जाए तब बताइए, आप गलत बता रहे हो, हे बालिका हे क्या बता रहे हो, इसमें कहा गया कि तृतीय विभक्त बालिका सर बालकेन बालिका होगा। चलिए ठीक है सभी गलत बता रहे हो, इसमें देखिए बालिका मिला ना, इसमें देखिए विभक्त दिया गया, जैसे आप कारक में विभक्त पढ़ते हो ना उसी तरह इसमें विभक्त सप्तमी संबोधन दिया गया है। इसमें देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, तृतीय पहले समझिए बेटा, पहले समझिए सभी, इसमें पूछा गया कि तृतीय विभक्त प्रयोग है, तृतीय विभक्त का आपका प्रयोग करना है, जो इसमें यहाँ पे दिया गया है ये आपके एक वचन के हैं और आपको क्या करना है तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, जैसे इसमें साथ तो बालका ये आपका बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या होगा बालिका जो वो भी बहुवचन का रूप होगा और क्या होगा तृतीय विभक्त होगा, तो इसमें देखिए बालिका में तृतीय विभक्त बहुवचन क्या लिखा गया है बालिका भी लिखा गया है। बेटा जब आपको आता है तभी आप बोलिए, गलत नहीं बोलना है, तो इसमें क्या दिया गया है आपका होगा ये बालिका का बालिकाभ, बालका बालिकाभ साथ पठंती, लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं। खा देखें आपका है तड़ागा विभाति में होता सुशोभित या अच्छा लगता है, तड़ागा तालाब में, यहाँ पे कमल लगता है ना, तो इसका तृतीय विभक्त होगा कमले, यहाँ पे क्या हो जाएगा कमले लपर ऐसी मात्रा विसर्ग कमले, तड़ागा कमले विभाति, तालाब में कमल सुशोभित होता है, कमल अच्छा लगता है, अहम अपी मैं भी खेलूंगा या मैं भी खेलता हूँ, कंदुक है कंदुक, इसका क्या हो जाएगा तृतीय विभक्त कंदुकेन,
अहम अपि कंदुकेन खेलाम, मैं भी गेंद से खेलता हूँ, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वाह, यहाँ देखिए अश्वाह बहुवचन है। सह साथ, धावंत घोड़े साथ दौड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, अश्व अश्व का हो जाएगा अश्वे अश्वे, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ पे भी आपका ये क्या होगा तृतीय विभक्त में, तो ये हो जाएगा अश्वे अश्वे अश्वा अश्वे सा धावंती, घोड़ा घोड़े तो यहाँ पे लगेगा अश्वा अश्वे सा धावंत, ये अश्व का हो जाएगा अश्वे। अंगा में देखिए मृगा सा चरंत्र, मृगा हो जाएगा मृगे मृगा मृगे सहचरंत, मृगा मृगे सहचरंती। इसमें पहले में काम हो जाएगा बालिकाभ, खा में होगा कमले, गा में होगा कंदुकेन, घा में होगा अश्वे और घा में होगा ओ सॉरी अंगा में मृगे। ये समझ में बेटा? यस सर। अब इसमें देखिए ये आपके यस सर आपका अधोलिखित वृत्त चित्रम, ये आपके वृत्त विथ मीन्स क्या होता है सर्कल, ये आपके अभिलाल आप कुछ लिखे, ये आपके अधोलिखित वृत्त चित्र दिए गए हैं, इसको आपको क्या करना है पश्चात मीन्स पढ़ना है। उदाहरण अनुसार कोष्ठक 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 गते शब्दे उचित वाक्यान रचयत, उचित वाक्य कोष्ठक उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में से आपको उचित शब्द क्या करने हैं, उचित शब्द लिखने हैं। इसमें देखिए सर्कल कितने हैं, एक ही सर्कल है लेकिन इसमें सर्कल में चार सर्कल बने हैं। एक आपका रहीमा है, रहीम क्या है कर्ता है, और ये आपका द्वितीय क्या है दूसरा सर्कल क्या है, इसमें सभी पद क्या होंगे सभी में समान रहेंगे, ये जो है वो सभी में समान रहेंगे, किसी में कोई अलग नहीं होगा। और तृतीया क्या तीसरा देखिए तीसरा सर्कल क्या है, इसके सॉरी बेटा देखिए इसमें पहला सर्कल क्या है कर्ता है, कर्ता क्या है रहीम, और दूसरा सर्कल क्या है ये आपके दिए गए, इसमें से आपको उचित विभक्त का प्रयोग करना है, जैसे ये मित्र है तो इसका मित्रेण हुआ है, तो इसमें आपको उचित विभक्त का प्रयोग करना है दूसरे सर्कल से, आपका राइट तो है लिखा गया लेकिन इसमें से उचित विभक्त का प्रयोग करना है। तीसरा सर्कल जो है वो आपका सभी में समान रहेंगे, इसमें से कुछ आपका चेंज नहीं होगा, ये सभी में समान रहेंगे। और आखिरी सर्कल जो है ये चौथा सर्कल क्या है, इसमें क्रिया है, ये आपका क्या है क्रिया, रहीम करता है और ये क्या है क्रिया, क्रिया में क्रिया क्या होता है रहीम जैसे कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है ये तो है, इसमें किस कार्य का होना वही का आपका क्या क्रिया, तो क्रिया हो जो हो शब्द में सभी में क्या होंगे सभी में समान रहेंगे, सभी में समान रहेंगे। इसमें देखिए पहला दिया गया है रहीमा मित्रेण सह कीरत, इसमें देखिए पहला क्या है इसको छोटा किया जाए बेटा तभी सब समझ में आएगा आपको। चलिए बेटा इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसको आपको क्या करना है ये आपको होमवर्क करना है, कॉपी में रफ की कॉपी में करके इसको कल आपसे पूछा जाएगा, इसके बाद तब इसका आंसर आपको बताया जाएगा। देखिए आप लोग क्या कर रहे हो। यस बेटा महक। यस सर। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसमें देखिए ऐसे चलेगा, इसमें देखिए रहीमा इसका बताया गया ना उचित विभक्त के अनुसार इसका चेंज होगा दूसरे सर्कल में, मित्रेण मित्र का होगा मित्रेण सा, और यहाँ पे कीड़त है
ये सभी में क्या रहेगा, सभी में समान रहेगा। तो यहाँ पे हो गया रहिमा मित्रेण सह किरत। अब इसके नीचे ऐसे नीचे से चलेगा कि अलग कहीं से भी नहीं। आपका ये पहला हुआ, दूसरा होगा ये, फिर तीसरा ये होगा, फिर चौथा ये होगा, ऐसे आपको करना है। और इसको आप रफ की कॉपी में करके सबमिट करना है आपको। सबमिट न करें, आपसे कल पूछा जाएगा, सभी से पूछा जाएगा, पूछ के तब आपका क्लास स्टार्ट होगा कल। इसमें देखिए सातवां है कोष्ठात कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानान पूरत। जो कोष्ठक में ये पद दिए गए हैं शब्द, इसका आपको क्या करना है, उचित पद जो उचित हो उसका प्रयोग करके रिक्त स्थान आपको भरना है। इसमें देखिए धनिका धनम ददाति, धनवान धन देता है, किसको देता है, निर्धनाय। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, निर्धनाय। तो निर्धन मीन्स गरीब को। बाला पठनाय, यहाँ पे क्या होगा, पठनाय विद्यालय गच्छत, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जना सज्जन, जीवंत जीवित हैं, कैसे जीवित हैं, परोपकाराय। सज्जना परोपकाराय जीवंत। गा है प्रधानाचार्य पारितोषित पारितोषिकम यच्छत, यच्छत मीन्स देते हैं और पारितोषिक मीन्स पुरस्कार। प्रधानाचार्य क्या होगा, छात्रे, छात्रों को पुरस्कार देते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छत। इसमें शिक्षिकाय नमः, नमः मीन्स नमन या प्रणाम, अध्यापक को प्रणाम या अध्यापक को नमन। यहाँ पे होगा आपका शिक्षिकाय। पहले में क्या भरा गया, निर्धनाय खामे।